देखिए कि जो पटना के एसएसपी हैं, जो लड़की आपने हमको हमने आपको बताया कि जो सिपारा का मामला था, उसमें हमने डॉक्टर से भी बात की। आप डॉक्टर का क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए कितनी गोली लगी है पीड़िता को। उसके अलावा पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो से जो प्रतिनिधि आए हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के, जिसमें मोरवा के विधायक सहित और लोग भी थे, उन्होंने साहब पटना एसएसपी से बात की और पटना एसएसपी ने बताया है कि तीन लोगों की गिरफ्तारी जो है, जो आरोपी है उसके परिवार से तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बहुत जल्द जो है वो आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये पूरा बातचीत है, आप बातचीत सुनिए। एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लो के पास में काजल नाम है लड़की का, कॉल किया गया है और बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत पंडित और हमको उम्मीद है कि जल्दी जल्द सरेंडर करेगा, नहीं ठीक है। ये एक चीज नॉलेज में देना चाह रहे थे, ये अस्थाई रूप से पालीगंज के रहने वाले ये लोग हैं, इनके माता पिता जी और मेरे क्षेत्र के हैं। और अभी जो जी जी तो हाँ, तो लड़की के माता पिताजी मेरे क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, वो प्रॉपर पालीगंज का। अभी 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 हम और टेली जो समाज का हमारे अध्यक्ष हुए बिहार का, और राष्ट्रीय जनता दल के अभी विधायक हैं रणविजय साहू जी मुरमा से, तो जी जी हाँ हाँ वो आपका आपके विषय में बता भी रहे थे। तो हम दोनों कोई आए हुए हैं, हिमालयन हॉस्पिटल में अभी हैं। आप उनको आश्वस्त कर दीजिए उनके घर के तीन आदमी हमारे हिरासत में हैं और बहुत जल्दी वो पकड़ा भी जाएगा। जी जी पता नहीं ये तांडो जो शुरू हुआ है उसको एकदम मैंने कही शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, और आप लोग हैं ये हैं। वो लड़की इस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इनका 4 दिन पहले लड़ाई हुआ था, जो कि पाटिल के सही पे मैंने बताया है। आपने बातचीत सुना और साफ पटना एसएसपी का कहना है कि आप जो है जो यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे थे राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने आश्वस्त किया कि आप आश्वस्त रहिए, बहुत जल्द ही जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।